सभी लोग का अन्नपूर्णा सर्वेश्वरी सुमन की रसोई में स्वागत है। तो दोस्तों, अमड़ा का अचार तो आप लोगों ने बहुत तरह से खाया होगा, तीखा अचार, उसका चटनी चोखा, पर आज जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो मीठा अचार, बिल्कुल इसका गुड़ का मीठा अचार, खट्टा मीठा हम लोग बनाएंगे और ये बहुत टेस्टी बनता है। पर बनाने के लिए जो हमें अमड़ा चाहिए वो बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, इसमें जो कि इसमें खुजा जो बन जाता है जाला, वो ऐसा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने अमड़ा लिया है वो दिखा दूं मैं, ऐसे बस चार आपको बताऊंगी कि मैं इसको कैसे छील के काटी हूँ। और यहाँ पे मैंने छील करके काट के इसको 2 से 3 घंटे मैंने धूप लगाती हूँ। तो धूप लगा देने से क्या होता है कि जो इसका अतिरिक्त पानी होता है थोड़ा सूख जाता है उसी वजह से। तो यहाँ पे मैंने अमड़ा लिया है और इस अमड़े को हम लोग बढ़िया से छील लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने अमड़े को अच्छे से छील लिया है और इसको हम लोग बीच से काट लेंगे। ये सॉफ्ट है तो कट जा रहा है, अगर ये जाला बन जाएगा पूरा तो ये नहीं कटता है, एकदम टाइट हो जाता है हार्ड। तो ऐसे ही हम लोग सारे अमड़े को काट लेंगे बीच से। और इसका अचार खट्टा मीठा बिल्कुल सेम आम के अचार की तरह ही लगता है और बहुत टेस्टी लगता है। इसको बना के आप बिना फ्रिज के भी 15 से 20 दिन आराम से रख सकते हैं। अगर एकदम पका हुआ बनाएंगे तो आप महीनों या सालों भी रखें तो खराब नहीं होता है, लेकिन उसको बस बनाने का तरीका अच्छे से होना चाहिए जिसमें कि पानी की मात्रा ये अमड़े का ना हो। और ये मई जून जुलाई में ही ये फल मिलने लगता है, इसके बाद ये इसमें जाला बनने लगता है और टाइट हो जाता है, तो ना अचार पड़ पाता है, ना चोखा चटनी बन पाता है और ना ही इसका उपयोग हम कर पाते हैं। तो चलिए अब मैं दिखा दूं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो कि हमें तड़का देना है पहले, उसके लिए थोड़ा सा राई का तेल चाहिए। यहाँ पे हमने 2 तेजपत्ता लिया है, 2 लाल मिर्च लिया है, 5 फोरन लिया है। और इसका जो कि हम लोगों को गुड़ चाहिए, तो मीठा करने के लिए हम गुड़ लेंगे, यहाँ पे काला नमक लेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा सफेद नमक, इसमें थोड़ी सी चीनी की चीनी भी लेंगे और इसमें थोड़ा सा मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने अमड़ा लिया है दिखा देती हूँ, ये हमारा टोटल 200 ग्राम अमड़ा है, इसमें मैं गुड़ भी बराबर ही रखूंगी, 200 ग्राम ही हमारा गुड़ है। इसमें हम लोग 25 ग्राम के करीबन चीनी डालेंगे और बस इतने से हम बहुत टेस्टी और एकदम खट्टा मीठा अमड़े का मीठा वाला अचार तैयार करेंगे। राई गरम है और इसमें हम थोड़ा सा 2 चम्मच के करीबन राई का इसमें तेल डाल देंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा हमारा तो इसमें 5 फोरन और 3 पत्ता मिर्ची भी डालेंगे। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, इसमें पहले हम लोग 5 फोरन डाल देंगे और जब यह हमारा थोड़ा सा चटक जाएगा तो इसमें हम लोग 3 पत्ता और लाल मिर्ची डालेंगे हमारा। और अमड़े को हम लोग बहुत ही बढ़िया से इसको इसमें भूनेंगे जिससे कि एकदम इसमें सॉफ्ट हो जाए, जैसे आलू उबलने के बाद होता है उतना हम लोग को इसको बढ़िया से भून लेंगे, तभी जाके हमारा अचार बिल्कुल ही बहुत ही टेस्टी और खट्टा मीठा अच्छा सा अचार बनेगा। तो अभी इसको हम लोग बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर करके और इसको भून लेंगे। यहाँ हमारा बिल्कुल अमड़ा अच्छे से भून के एकदम सॉफ्ट हो चुका है जितना हमको चाहिए, देख सकते हैं, देखिए लग रहा है ना कि जैसे कि हमने काटा ये आलू की तरह भजिया की तरह कट गया, तो ये हो चुका है। अब इसके बाद हमको जो मसाला तैयार करना वो दिखला देती हूँ। तो इस अचार के लिए, जो खट्टा मीठा अचार के लिए स्वाद बढ़िया हमें बनाना है, उसके लिए चाहिए यहाँ 2 से 3 लाल मिर्च, थोड़ा सा आधी चम्मच हमको सौंफ, आधा ही चम्मच खड़ा धनिया, आधा चम्मच जीरा। अब इसको हम लोग को हल्का सा भून लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा अमड़ा हो चुका है, तो इसको बंद करके एक साइड कर लेते हैं, तब तक मसाला बना लेंगे अपना। तो यहाँ पे पैन में हमने सारे मसाले को डाल लिया है और हमको मसाले को बहुत ज्यादा हमको इसको जलाना नहीं है या बहुत लाल नहीं करना, बस हल्का सा इसमें से सेंट आने लगे खुशबू और ये हल्का सा भुन जाए, बस इतना ही इसके साथ हमें भूनना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है और इसको हल्का सा हम लोग इसमें चला लेते हैं और ये बिल्कुल 1 से 2 मिनट लगेगा हमारे मसाले को तैयार होने में। तो अब हम लोग गैस बंद करके इसको भी पीस लेते हैं। इस मसाले को हम लोग पीस के तैयार कर लेंगे, इसके बाद हम लोग अपने गुड़ का ग्रेवी बनाएंगे। देख सकते हैं कि हमने अपने चटपटे खट्टा मीठा अचार का मसाला तैयार कर लिया है और अब हम इसका बनाते हैं अचार का अपना पाग। तो यहाँ पे जिस कढ़ाई में हमने अमड़े को 5 फोरन डाल के भुना था, अब उसी कढ़ाई में हल्का सा तेल भी देख सकते हैं, इसमें पानी देख सकते हैं मैंने कितना लिया, लेकिन इसका भी मैं सिर्फ आधा ही पानी डाल रही हूँ। मैंने डाला है सिर्फ बड़े चम्मच से 4 से 5 चम्मच ही हमने पानी डाला है। अब इसमें मैं डाल दूंगी गुड़, ताकि हमारा जो गुड़ है वो नीचे न लगे, इसीलिए हम 4 से 5 चम्मच इसमें पानी डाल रहे हैं। अब ये जो
अच्छे से उबलने लगेगा, इसका पाक तैयार होगा हमारी चटनी का, तब इसमें हम लोग चीनी डालेंगे। हमारा पाक अच्छे से हमारी चटनी का बन रहा है। अब इसमें मैं देख सकते हैं बड़े चम्मच से 2 से 3 चम्मच मैं चीनी ली हूँ, मतलब 25 ग्राम, उससे ज्यादा नहीं। और ये हमारा मसाला है और सादा नमक, काला नमक। अब सबको हम एक ही साथ इसमें डाल देते हैं और इसको हम लोग ऐसे बढ़िया से इसको चला लेंगे। और चलाने के बाद अब इसी में मैं तुरंत डालूंगी आमड़े को। चीनी गलने का हम इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि आमड़ा डालेंगे तो हल्का फुल्का जो आमड़ा में पानी है, जैसे आम छोड़ता है ना, वैसे आमड़ा भी छोड़ेगा, तो ये चीनी हमारी उसी में गल जाएगी और हमारा जो अचार है बहुत टेस्टी बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं आमड़ा ली हूँ, सारे आमड़े को हम इसी में डाल देते हैं। और डालने के बाद अब इसको इसी में हम चला देंगे और कम से कम 2 से 4 मिनट। देखिए आमड़ा भूजने में मात्र 2 मिनट लगा है, 2 मिनट से 3 मिनट का ही समय लिया है। आमड़ा अच्छे से भून के सॉफ्ट और एकदम आलू की तरह हो चुका है, जैसे हम लोग आलू की भुजिया बनाते हैं। और खोलने में भी इसको 5 मिनट का समय लगेगा। बस हमारा टोटल 15 मिनट में हमारा अच्छा से एकदम आमड़ा का खट्टा मीठा अचार बन के बढ़िया वाला तैयार हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग 5 मिनट तक इसमें उबलने देते हैं। देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल आमड़े का खट्टा मीठा वाला अचार एकदम गाढ़ी सी ग्रेवी के साथ तैयार हो चुका है। और अब गैस बंद कर देंगे और इसको हम लोग थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। देख सकते हैं कि हमारा आमड़े का खट्टा मीठा गुड़ वाला अचार बिल्कुल बनके तैयार है और ये बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। आप इसको पूरी, पराठा, दाल चावल जैसे भी खाना चाहे खा सकते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट ये सीरा में बन चुका है। ये देख लीजिए, ये देखिए बिल्कुल गल चुका है ये। और इसको आप जैसे भी चाहे खा सकते हैं। हमारा खट्टा मीठा आमड़े का अचार बनके तैयार है। आप लोग भी इसको ऐसे ही बनाएं और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।